Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in my today's video lecture. I am your ma'am Hamida Akhtar from UPS Bhagatpura. Dear students, today we will teach, I will, today I will teach you a topic uh, that is from EVS 4. The name of the topic is from Home to Market. So, dear students, let us start reading the topic. Open your books and start. Reading the topic day at night the name of the topic is from home to market ghar घर से मार्केट तक name is vishali विशाली father is a vegetable seller seller. मेरा जो नाम है मैं विशाली हूँ जो मेरे वालिद साहब हैं वो सब्ज़ियाँ बेचते हैं माई होल फैमिली अम्मा भैया छोटू एंड आई हेल्प हिम इन वर्क मेरी जो मेरा जो सारा कुंबा है जिसमें मेरी अम्मा आती हैं भैया छोटू और मैं हम सब उस उसकी मदद करते हैं काम करने में कैन यू गैस एट वट टाइम वई बिगिन आवर वर्क आप क्या यह गैस कर सकते हो कि हम सुबह सवेरे कितने बजे अपना काम शुरू कर लेते हैं एट थ्री ओ क्लाक इन द मॉर्निंग हम सवेरे तीन बजे अपना काम शुरू करते हैं वैन मोस्ट पीपल और फर्स्ट एसलिप जब जिस वक़्त बहुत सारे लोग जो गहरी नींद में सोए हुए होते हैं वे स्टार्ट आवर वर्क हम उसी वक्त अपना काम शुरू कर लेते हैं आवर डेज वर्क बिगनज वबू जी अम्मा भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्राम द स्टोरेज बैगस एंड बाट्स हमारा जो काम सुबह सवेरे शुरू होता है हम क्या पहले करते हैं मैं बाबू जी अम्मा भैया हम जो प्रीवियस दिन डेज में हमने जो वेजिटेबल्स लाए होते हैं सब्जियाँ लाई होती हैं जो कल वाली होती है हम उन बैगस को खाली करते हैं उन बाट्स को खाली करते हैं दिस इज़ टू प्रेफेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्राम द मंडी समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प ये क्यों हम कर लेते हैं हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो बास्केट बैग से खाली हो जाए इनमें हम मंडी से जो फ्रेश सब्जियाँ ला सकें कभी कभार छोटू जो है वो भी हमारी मदद करता है आफ्टर डूइंग दिस वी टेक सम टी एंड देन वीर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो आफ्टर डूइंग द वर्क आफ्टर जब हम काम कर, uh, करते हैं तो हम चाय पी लेते हैं उसके बाद उसके बाद उसी वक़्त हमें टेम्पू की जो हॉर्न है वो सुनाई देती हैं इट इज़ टाइम फॉर बाबू जी भया चाचू अंकल एंड अदर्स फ्राम आवर स्ट्रीट टू लीव द मंडी इस वक्त क्या है इस वक़्त बाबू जी बया, और चाचू और वगैरह जो हमारी इस कॉलोनी में रहते हैं इस गली में रहते हैं उनको मंडी जाना होता है इसलिए वो टेम्पू की हॉर्न सुन लेते हैं उसी में वो जाते हैं Does anyone in your house have to get up early? वट टाइम डज़ ही और शी गेट अप वाई डू दे नीड टू गेट अप टू अर्ली गेट अप सो अर्ली बच्चों यहाँ पे ये यह क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपके घर में कोई हैं जो सुबह सवेरे उठता है कितने बजे उठता है और क्यों उठता है आप इस क्वेश्चन का जवाब लिखोगे येस अवर ग्रैंड मा वेक अर्ली इन द मॉर्निंग शी वेक्स अप एट थ्री एम वाई डू दे नीड टू गेट अप शी दे शी गेट अप अर्ली बिकॉज शी हैज़ टू ऑफर हिज़ सलाह बाबूजी इज अवे अमा छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गनी बैगस एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन डेम बच्चो अब हम यहाँ पे यह कह रही है कि प्रेपेयरिंग फॉर दिन भर हम क्या करते हैं जो ही उनके बाबूजी उनसे दूर हो जाते हैं वो चले जाते हैं मार्केट अम्मा जो होती है और छोटू और मैं कौन मैं विशाली हम क्या करते हैं हम जो प्रीवियस डे के जो सब्जियां होती हैं पहले दिन वाली हम उनको गिनी बैगस में भरते हैं और उन पर पानी छिड़कते हैं बाई सिक्स थर्टी एम बाबू जी कम्स बैक फ्राम द मंडी विद बास्केट्स एंड स्मॉल बैग्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स जो ही साढ़े छः बजे सिक्स थर्टी पे जो बाबूजी हैं वो वापस आते हैं मंडी से और बास्केट जो उन्होंने लिए थे वो फुल आप फ्रेश उनमें सब बास्केट्स बैग्स में जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है वो भर के होती है एट दैट टाइम आवर हाउस लुक स्मूथ लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट उस वक़्त हमारा जो घर है वो क्या लगता है जैसे एक छोटा सब्ज़ी मार्केट होता है देर और ब्रिंजल पटेटोज टमाटोज ओकरा भिंडी पम्पिन गोड्स चिल्लीज़ एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स आर एराउंड उन सब्जियों में क्या क्या है? होते हैं बैंगन होते आलू होते टमाटर होते ओकरा पम्पिन कद्दू गोड्स चिल्ली सब्ज मिर्ची होती है और सारे जो फ्रेश वेजिटेबल्स उनमें होती हैं जो सारे इर्द गिर्द उस घर के इर्द गिर्द हम लगाते हैं हमें लगता है ये एक छोटा सा सब्जी मार्केट बना है एवरी बॉडी हेल्प इन अरेंजिंग द वेजिटेबल्स द वेजिटेबल्स विच कैन विच और नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल और कैप्ट असाइड हम सब इनकी मदद करते हैं इन वेजिटेबल्स को अरेंज करने में और जो वेजिटेबल्स जो अभी पूरे पके नहीं हुए होते हैं उनको हम एक साइड रखते हैं वी हैव टू अरेंज द वेजिटेबल्स फर्स्ट सो एज़ टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज हम इन वेजिटेबल्स को जल्द अज जल्द अरेंज कर ले, लेते हैं ताकि हमें हम जल्दी बाजार पहुंच सके जितना हो सके उतनी जल्दी हम बाज़ार पहुंच सके मार्केट में बच्चों मुझे लगता है आपको आपके लिए आज इतना ही काफ़ी है आपको ये समझ आया होगा आप घर जाकर इसको और घर में आप और इसको रीड करोगे लर्न भी करोगे बाकी वसलम